नमस्कार, मेरा नाम है मित्र गैजेट्स फॉर यू के एक नए वीडियो में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम करने वाले हैं अनबॉक्सिंग रियलमी एसेसरीज का, जिसमें आता है रियलमी बड्स और दूसरा है रियलमी U1 के लिए एक आइकनिक केस। साथ ही इस वीडियो में आपको देंगे इन दोनों ही एसेसरीज का एक क्विक रिव्यू और आपको बताएंगे कि क्या यह एसेसरीज आपको परचेस करनी चाहिए इस प्राइस पॉइंट पे या फिर नहीं। तो चलिए, अगर आप भी जानना चाहते हैं और ज़्यादा, तो बने रहिएगा हमारे साथ इस वीडियो में। तो दोस्तों, कुछ ऐसी पैकेजिंग उनको देखने को मिलती है Realme एसेसरीज की। बात करें प्राइसिंग की, तो ये दोनों ही प्रोडक्ट अवेलेबल हैं 499 रुपीज़ की प्राइस में, मतलब 499 रुपीज़ के Realme बर्ड्स और 499 रुपीज़ का ये आइकनिक केस। इसे आप Flipkart, Amazon या फिर Realme की वेबसाइट से भी खरीद सकते हैं। तो चलिए कर लेते हैं अनबॉक्सिंग। पहले अनबॉक्सिंग करते हैं इस ईयरफोन की, क्योंकि मुझे लगता है काफ़ी इंटरेस्टिंग प्रोडक्ट होने वाला है ये। पहले देख लेते हैं बॉक्स का ओवरव्यू। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं काफ़ी अच्छी पैकेजिंग है। यहाँ ऊपर की तरफ लिखा है Realme, यहाँ पर देख सकते हैं ईयरफोन्स की पिक्चर आपको देखने मिल जाएंगे। नीचे की तरफ लिखा है Realme Buds इन ईयरफोन्स। करते हैं साइड में, तो यहां पर लिखा है Realme और बैक साइड में लिखे हैं इसके कुछ की फीचर्स। इसके अलावा MRP और ये सारी चीजें आपको पीछे की तरफ देखने को मिल जाएंगी। यहां पर अगर हम बात करते हैं इसके फीचर्स की, तो साउंड प्रेशर लेवल लिखा हुआ है 106 dB, और अगर हम बात करते हैं स्पीकर साइज की, तो लिखा है 11 mm। तो ये हैं इसके फीचर्स। साथ में लिखा है नीचे MRP जो कि है 699 रुपीज़, लेकिन इसका प्राइस है 499। तो चलिए कर लेते हैं अब इसको अनबॉक्स और देखते हैं कि कैसा ईयरफोन हमको यहाँ पे देखने को मिलता है। तो बॉक्स को ओपन करते ही हमें मिलता है एक और बॉक्स, जहाँ पे लिखा है प्राउड टू बी यंग। रखते हैं इसको एक बार साइड में। यहाँ पर हम देखते हैं कि बॉक्स में इसके अलावा और कुछ भी नहीं है। इसके बाद देखते हैं, तो यहाँ पर हमें देखने को मिलता है एक ईयरफोन। निकाल देते हैं इसको, रखते हैं इसको साइड में। यहाँ पर देखते हैं कि बॉक्स में हमें और क्या क्या कंटेंट देखने को मिलते हैं। साथ में दिए गए हैं कुछ एक्स्ट्रा ईयरबड्स और इसके अलावा एक यूज़र गाइड भी साथ में देखने को मिल रही है। तो चलिए अब बात कर लेते हैं ईयरफोन्स की। यहाँ से हटाते हैं इसका रैपर और अब आप देख सकते हैं इन ईयरफोन्स को। तो अगर हम बात करते हैं सबसे पहले इसकी क्वालिटी की, तो ये काफ़ी अमेजिंग क्वालिटी हमको यहाँ पे देखने को मिल रही है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं ये जो ईयरफोन्स हैं ये मैग्नेटिक है, मीन्स यहाँ से आप इसको अटैच कर सकते हैं, तो ये काफ़ी अच्छी बात है। और अगर हम बात करते हैं इनकी क्वालिटीज़ की, तो ये काफ़ी अच्छी क्वालिटी के लग रहे हैं। इनफैक्ट इनके जो ईयरबड्स हैं इनकी क्वालिटी भी काफ़ी अच्छी है। और आप देख सकते हैं जो इसके ईयरबड्स हैं वो थोड़े से टिल्ट हैं, मीन्स 45 डिग्री भी टिल्ट हैं, ताकि आपके ये ईयर में अच्छे से फिट हो सकें। और बैक साइड से आप देख सकते हैं यहाँ पर हमें देखने को मिल जाता है रियलमी का लोगो, और नीचे की तरफ आप देख सकते हैं कॉर्नर्स में आपको काफ़ी अच्छी ग्रिप देखने को मिल जाती है येलो कलर की, जैसे कि यहाँ पर कॉर्नर से ये ब्रेक होने के चांसेस बहुत ही कम हो जाएँ। और अगर हम बात करते हैं स्पेशली इस वायर की, जो ये वायर आपको देखने को मिल रही है जो कि काफ़ी अच्छे मटेरियल से बनी हुई है, और मुझे नहीं लगता कि ये वायर कभी टूट सकता है। और इसके अलावा भी ये रिंकल्स नहीं होंगे इस मटेरियल के कारण, तो काफ़ी प्रीमियम क्वालिटी मुझे देखने को मिल रही है इन ईयरफोन्स की। डेफिनेटली यहाँ पर अब देखना होगा कि इसका साउंड कैसा है, लेकिन अगर हम बात करते हैं सिर्फ क्वालिटी की, तो डेफिनेटली ये 499 रुपीज़ के नहीं लगते हैं। इवन जो बहुत अच्छे ईयरफोन्स आपको देखने को मिलते हैं, कुछ ऐसे ही क्वालिटी हमें यहाँ पर देखने को मिल रही है। दोस्तों, अगर बात करें इसके साउंड की, तो अभी मैंने इसका साउंड टेस्ट किया, नो डाउट काफ़ी अमेजिंग साउंड देखने को मिलता है। मुझे सबसे अच्छी बात लगी इस ईयरफोन की कि ये काफ़ी लाउड साउंड प्रोड्यूस करते हैं। इसके अलावा इसका जो बास है वो भी काफ़ी अमेजिंग है। और दोस्तों, अगर आप इसे रियलमी के डिवाइस में यूज़ करना चाहते हैं, तो सेटिंग में आपको साउंड एंड वाइब्रेशन में एक एडिशनल सेटिंग देखने को मिल जाती है, जो कि है रियल साउंड टेक्नोलॉजी। यहाँ पर आपको ऑन करना होगा रियल HD साउंड को, और यहाँ पर आप अलग अलग बास, मिड रेंज और ट्रेबल को यूज़ करके काफ़ी अच्छे से म्यूज़िक को और तरीके से सुन सकते हैं। तो ये मुझे काफ़ी अच्छी बात लगी रियलमी के डिवाइस में कि यहाँ पर हेडफोन्स के लिए स्पेशली एक सेटिंग दी गई है। तो रियलमी के रियलमी बड्स की जो क्वालिटी है मुझे काफ़ी अच्छी देखने को मिली है, चाहे हम बात कर लेते हैं इसकी बिल्ड क्वालिटी को लेकर, चाहे हम बात कर लेते हैं इसकी साउंड क्वालिटी को लेकर। और अब हम बात कर लेते हैं इस आइकनिक केस की। तो इसकी भी पैकेजिंग काफ़ी अच्छी है। यहाँ पे हम देख सकते हैं ट्रांसपेरेंट में ये येलो कलर का केस है। बैक साइड में यहाँ पर भी आपको MRP और कुछ डिटेल देखने को मिल जाती है। और इसकी पैकेजिंग काफ़ी सिंपल है, यहीं से ओपन हो जाएगा जो कि हमको देखने को मिलता है हमारा ये केस। इसके अलावा बॉक्स में हमें और कुछ भी देखने को नहीं मिलता है। तो यहाँ पर हम निकाल लेते हैं इस कवर को बाहर। तो ये आप देख सकते हैं इस केस को। यहाँ पर अगर हम बात करते हैं इसकी क्वालिटी की, इसकी बिल्ड क्वालिटी की, तो ये काफ़ी अच्छी है। मटेरियल की बात करते हैं, तो ये जो मटेरियल है ये हार्ड मटेरियल है, कुछ फाइबर टाइप का मटेरियल मुझे देखने को मिल रहा है। और अगर मैं बात करता हूँ इसके फ्रेम्स की, तो ये हमें देखने मिलते हैं रबर में। तो ये एक अच्छी क्वालिटी का कवर मुझे देखने को मिल रहा है। चलिए रियलमी U1 पे एक बार अप्लाई करके देख लेते हैं कि कैसा लगता है।
तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये अप्लाई हो गया है और काफ़ी अच्छी क्वालिटी का लग रहा है। अगर हम बात करते हैं लुक की तो लुक भी काफ़ी अच्छा लग रहा है इस कवर के बाद, और जो इसकी सेफ्टी है वो बहुत ही ज़्यादा अच्छी आपको देखने को मिलेगी इस कवर को लगाने के बाद। लेकिन अगर हम बात करते हैं फिर से उसी बात की कि क्या यह प्रोडक्ट वैल्यू फॉर मनी है, मतलब 499 रुपीज़ की वर्थ रखता है क्या ये कवर, तो मेरा जवाब होगा शायद नहीं, क्योंकि यहाँ पर हमें कुछ भी अलग से देखने को नहीं मिल रहा है। जैसे ईयरफोन्स में कुछ अलग क्वालिटी देखने को मिल रही थी और वो बेस्ट इन क्लास ईयरफोन लग रहा था, लेकिन ऐसे कवर हम बहुत सारे देख चुके हैं। और यहाँ पे सिर्फ स्पेशल आपको क्या मिलता है कि लिखा है Realme, यहाँ पे लिखा है प्राउड टू बी यंग, और ये आपको कुछ ट्रांसपेरेंट में देखने को मिल जाता है। कुछ यहाँ पर हमें यही अलग देखने को मिलता है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि 499 रुपीज़ का ये वैल्यू फॉर मनी प्रोडक्ट है। तो दोस्तों ये था अनबॉक्सिंग और क्विक रिव्यू रियलमी एसेसरीज़ का। अब बात करते हैं कि क्या आपको ये परचेज़ करने चाहिए या फिर नहीं करने चाहिए। सबसे पहले बात कर लेते हैं रियलमी बड्स की, तो नो डाउट 499 रुपये की प्राइस में आपको ये अमेजिंग प्रोडक्ट देखने को मिलता है, काफ़ी वैल्यू फॉर मनी प्रोडक्ट है, आप इसे खरीद सकते हैं। और अगर आपके पास रियलमी का डिवाइस नहीं है तो भी आप इसे खरीद सकते हैं, मैंने इसे दूसरे डिवाइसेज में भी टेस्ट किया है, तो ये नो डाउट एक वैल्यू फॉर मनी प्रोडक्ट है, आप इसे खरीद सकते हैं 499 रुपीज़ में, ये काफ़ी अमेजिंग वैल्यू देता है। लेकिन अगर हम बात करते हैं आइकनिक केस की, अभी हाल फिलहाल ये सिर्फ रियलमी U1 के लिए ही अवेलेबल है, लेकिन इसमें मुझे वैल्यू फॉर मनी वाली बात देखने को नहीं मिली, क्योंकि 499 रुपये का केस बहुत ज़्यादा महंगा हो जाता है। हालांकि इसकी क्वालिटी अच्छी है, अगर हम कंपेयर करते हैं मार्केट में आने वाले दूसरे केसेस से तो नो डाउट ये काफ़ी अच्छा केस है, लेकिन फिर भी ये अपनी प्राइस को जस्टिफाई नहीं करता है, तो मुझे नहीं लगता कि 499 रुपये की प्राइस में आपको ये आइकनिक केस खरीदना चाहिए। अगर इस केस का प्राइस 249 या फिर मैक्सिमम 299 रुपीज़ होता तो डेफिनेटली मैं इसे रिकमेंड कर सकता था, लेकिन 499 रुपीज़ बहुत ज़्यादा हो जाते हैं केस के लिए, तो मैं इसे रिकमेंड नहीं करता हूँ। लेकिन अगर हम बात करते हैं रियलमी बड्स की, तो डेफिनेटली 499 रुपीज़ की आपको बहुत अच्छा एक प्रोडक्ट देखने को मिल जाता है। तो बस आज की वीडियो में इतना ही था, उम्मीद है आपको पसंद आया होगा, तो इस वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। अगर आप चाहते हैं ऐसे ही और वीडियोज़ देखना तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आपके पास और कोई सवाल सुझाओ तो नीचे आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। आज का वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, मिलते हैं आपसे अगले ऐसे ही किसी वीडियो में, तब तक के लिए आपके दिन शुभ रहें।